नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। दोस्तों, मैं वैसे तो भविष्यवाणियों के भरोसे नहीं बैठता, लेकिन हमें अभी जानना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म के बारे में दुनिया के महान भविष्यवक्ताओं ने क्या भविष्यवाणी की है। तो आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे नास्त्रोदमस की। नास्त्रोदमस किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने हिंदू धर्म पर क्या भविष्यवाणी की है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर किसी की भविष्यवाणी आज के समय में सच साबित होने लग जाए तो उसके प्रति सभी आकर्षित हो जाते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि आगे वह क्या भविष्यवाणी करने जा रहा है। हम आज बात करेंगे नास्त्रोदमस की, जो कि फ्रांस में एक भविष्यवक्ता थे जिनका जन्म 14 दिसंबर 1503 में फ्रांस में हुआ था। नास्त्रोदमस ने धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक इत्यादि घटनाओं के संबंध में बहुत सारी भविष्यवाणी की है। वहीं इनके द्वारा की गई अधिकतर भविष्यवाणियां सच भी हुई हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नास्त्रोदमस ने एक दो नहीं बल्कि 400 सालों में 800 से ज़्यादा भविष्यवाणियां की जो कि सच हुई। उन्होंने अंग्रेजों को लेकर कहा था कि 1942 में इंग्लैंड का वर्चस्व दुनिया पर ख़त्म होना शुरू होगा और ऐसा हुआ भी। नास्त्रोदमस ने नाजियों के बारे में कहा था कि वह एक दिन यहूदियों पर नकेल कस देंगे और ऐसा हुआ भी था। नास्त्रोदमस ने भारत के लिए भी भविष्यवाणी की थी। इसके अंदर उनका कहना था कि एक दिन भारत के सुनहरे भविष्य की शुरुआत होगी। भारत में मौजूद हिंदू धर्म पूरे एशिया महाद्वीप और कई अरब देशों के अंदर छा जाएगा। उनका कहना था तीनों ओर समुद्र से घिरे क्षेत्र में वह जन्म लेगा और बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। वह व्यक्ति एक गरीब के घर में पैदा होगा और पहले तो उसे लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में वह सभी के लिए मुक्तिदाता बनकर उभरेगा और फिर लोग उसे बहुत प्रेम करेंगे। दुनिया में बहुत से भविष्यवक्ता थे जिन्होंने लिखा कि दुनिया का अगला मुक्तिदाता भारत के दक्षिण में जन्म लेगा। ऐसे में जिस प्रकार से रूस में हिंदू धर्म फैल रहा है, उस हिसाब से कहना मुश्किल नहीं होगा कि नास्त्रोदमस की भविष्यवाणी भी हमें सच होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, उनकी यही सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणी है जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस के लोग साम्यवाद को त्याग कर हिंदू धर्म की ओर आकर्षित होंगे और हिंदू धर्म को अपना लेंगे। तो वैसे दोस्तों, आपका इस भविष्यवाणी पर क्या सोचना है कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।